रतलाम में खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जहां एक शासकीय राशन दुकान पर दो ट्रकों में लाया शासकीय गेहूं उतारा जा रहा था, जहां पर एक ट्रक में 310 बोरी गेहूं उतारा जाना था, लेकिन उनमें कुछ बोरियां ज्यादा मिलने से प्रशासन ने एक ट्रक को अपनी कस्टडी में लेकर जाँच शुरू कर दी है कि बाकी बोरी गेहूँ किसका था। वहीं शासकीय राशन दुकान में दो ट्रक गेहूं खाली करने की जगह नहीं थी, ऐसे में गेहूं अन्य के गोदाम में खाली किया जाना था। इसकी जानकारी शासकीय राशन दुकान संचालक द्वारा खाद्य विभाग को नहीं दी गई थी। ऐसे में यह शासकीय राशन को लेकर संदेह सामने आया है कि आखिर दूसरा शासकीय गेहूं से भरा ट्रक कहाँ ले जाया जा रहा था, जिसे लेकर खाद्य विभाग अधिकारी ने राशन दुकान सील कर दी और आगे जाँच के बाद कार्यवाही की बात की है। तो वहीं खाद्य विभाग ने शासकीय गेहूं से भरा दूसरा ट्रक वापस शासन के वेयर हाउस भिजवा दिया है।